खबर नई दिल्ली से है, जहां अडानी मुद्दे पर चर्चा को लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया है। विपक्षी नेताओं के हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। दोनों सदनों की जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही इसे स्थगित कर दिया गया। करीब सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में 15 से अधिक विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस से आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत कई दलों के नेता मौजूद रहे। इसके बाद विपक्षी नेताओं ने संसद भवन परिसर में मौजूद महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। विपक्ष ने तय किया है कि वह दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव की मांग करेगा। वह अडानी मुद्दे के अलावा कोई चर्चा नहीं चाहता है। संयुक्त विपक्ष की संसद में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया।